हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम हमदा से मैं हूं वर्षराज कुडो का टाटा ले लिविंग ऑन रुपीस 100 for 24 और चैलेंज ग्वालियर फूड चैलेंज होने लगा है। 100 रुपए में 2023 में आप दिन 24 घंटे गुजार सकते हैं नहीं, आज हम ये देखेंगे। 100 रुपया देखो आजकल महंगाई का दौर है, तो इसमें पाकिस्तान में तो 100 रुपए में आपको एक आइसक्रीम मिल जाएगी और तो आप कुछ नहीं खा सकते मेरे भाई। लिहाज से 50 रुपए की ढाबे वाले चाय दे रहा है, ढाबे वाली चाय मिल जाएगी आपको। तो खुद 100 रुपए में थोड़ी अच्छी 50 रुपए का 40 पति वाली चाय मिल जाएगी आपको 100 रुपए, 40 और 50 का नान इधर मिल रहा है, तो खुद सोचे। तो आपके 100 रुपए में आपके पास क्या मिलेगा देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट तरंग तरंग तरंग, नया शहर नई जगह और जेब में है 100 रुपए। हाय गाइस, आई एम प्रियंका। आज मैं करने वाली हूँ 24 रात चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन रात सुबह और शाम सारा का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, वो भी ग्वालियर में। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं भाई क्या होता है। भाई जो प्राडक्ट खोल रही थी ना, ये वाला इधर 80 रुपए का। ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, और ग्वालियर में ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं आ गई हूँ पतंगर बाजार में। और यहाँ पे है छोटे लाल जी कचौड़ी वाले, जिनकी मैंने सुनी है बड़ी फेमस है, नाश्ता वास्ता देते। और एक चीज बताऊँ, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, सबको 10-10 रुपए में ही मिलेगा। चलो देखते हैं यार इनका मिलता क्या क्या है। आओ, अरे ये देखो, गर्मा गर्म समोसे मिल रहे हैं। हाय हाय, गर्मा गर्म समोसे तो यार बड़े दिलचस्प लग रहे हैं मुझे। और ये इमरती बना रहे हो, जलेबी बना रहे हो? इमरती, ये देखो डिजाइनिंग देखो भैया की, क्या गजब की कर रहे हैं। खटाखट खटाखट इमरतियां बनाए जा रहे हैं। और ये इमरतियां और वो कचौड़ी। और उधर अगर नजर डाल के आप देखेंगे वहाँ पे देखिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मिल रही है, वो रखी पूड़ियाँ, और उधर कोने में जलेबी भी है। और गाइस, अगर आप इनमें से कुछ भी खाना चाहते हैं, कुछ भी, चाहे समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, जलेबी खा लो, बेड़ई खा लो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में आपको मिलेगी। तो ये बताइए, हमको 10 रुपए की बेड़ई लगा के देंगे? जरा चकाचक लगा दीजिएगा भैया। और इसके साथ क्या देंगे? चटनी है, आलू टमाटर की सब्जी है। हाँ दे दीजिए आलू की सब्जी। सो गाइस, यहाँ पे आ गया हमारा 10 रुपए का ब्रेकफास्ट। देखिए देखिए क्या गजब की है, पूरी आलू टमाटर की सब्जी और हरी हरी चटनी भी भैया ने दी है। तो चलिए आते हैं पूरी की टेस्ट टेस्टिंग टाइम। अरे टूट गया भाई, टूट गया, क्यों नहीं टूट रही हो? गजब की बेड़ई पूड़ी है यार। ऐसी पूड़ी मुझे याद है, मैंने ना यूपी के अंदर खाई थी, बहुत अमेजिंग होती है। एकदम फ्रेशली बनी हुई है ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, और इसके अंदर गाय गाल का मसाला भरा। मैं आपको जानती हूँ कि मेरी यूपी से आलू टमाटर की सब्जी मेरी फेवरेट होती है। और 10 रुपए में मतलब इस पत्तल के अंदर इतना गजब का नाश्ता करने को मिल जाता है। मुझे नहीं पता था ग्वालियर इतना रीजनेबल है कि यहाँ पे 10 रुपए में आप घर पे नाश्ता भी कर सकते हो। इट्स लंच टाइम गाइस, और लंच करने के लिए मैं आ गई ग्वालियर के फूल बाग। और यहाँ पे लगी है बहुत सारी स्ट्रीट फूड कार्ट, जहाँ पे गाइस पता क्या मिल रहा है? मिल रहा है अमृतसरी खाना, जहाँ पे नान वान तंदूरी वंदूरी और पूरी थाली वाली लगा देते। तो चलो भैया से पूछे जरा कितने के हैं ये सब। आज 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 नमस्ते भैया, ये बताओ क्या क्या आपके पास? पहले तो हमको ये बताओ। हमारे पास अमृतसरी नान है, पराठा है, लच्छा पराठा है, बटर नान है। बटर नान भी है, है। और थाली कितने से स्टार्ट होती है आपकी? थाली 50 रुपए। 50 से स्टार्ट होती है। कितने दोगे नान, कितने दोगे? दो। दो के साथ क्या दोगे? कौन कौन सी सब्जियां दोगे? मटर पनीर, दाल मखानी, सूखी सब्जी, सलाद आगा, रायता आगा। इतनी सारी चीजें थाली में 50 रुपए में दे दोगे? क्या बात है, जरा अनलिमिटेड, मतलब सब्जी वापस करा लूं, रिफिल करा लूं। तो सब्जियां कहां है? सब्जियां तो थद्दू इधर है, आओ दिखाओ दिखाओ। ये देखिए गाइस, यहां पे लगी इनके सब्जी के टंगीड़े पूरे घर में। ये तो रायता वायता दिख रहा है हमको गाइस। ये देखिए, ये तो इनका बूंदी वाला रायता, आलू की सब्जी। इसको जरा चलाएंगे दादा, ये काहे की सब्जी है? दाल मखनी। ये दाल मखनी, और वो पनीर वाली सब्जी कौन सी है? ये आ गई पनीर की सब्जी। आ दादा, पनीर और मटर भी डले साथ ही साथ, वेरी नाइस। और ये सैलेड वैलेड भी है इनका। तो भैया हमको एक लच्छा पराठा लगा के दोगे? लगा दोगे? क्या बात है। आप देखो हमारा बनाना, पहले बनाओगे हमारा? तो लाओ दिखाओ भाई, ये हमारा लच्छा पराठा बनना स्टार्ट होगा गाइस। ये देखे गाइस, यहाँ पे तो लच्छे एकदम पंखे की तरह बनाने शुरू कर दिए भैया ने। और अब इसको देखना बिना बेलन की मदद से कैसे हाथ से पूरा पूरा लपेट देंगे। और ये इनके स्पेशल मसाले, अरे वाह, धनिया वनिया मसाले वसाले सब कुछ आ गया इसके अंदर।
बढ़िया कड़क कड़क सेक देना हमारा तो। और ये देखो चका अटक हाथ से ही जो है पूरा बेल बेल लिया और अब गए सीधे तंदूर के अंदर। सो गाइस ये तब मैं पंजाबी पंजाबी थाली जो मुझे पड़ी है पूरी की 30 रुपीज की तंदूरी तंदूरी पराठा आया वो भी लच्छे वाला, साथ ही साथ यहाँ पनीर की सब्जी है, यहाँ दाल मखनी है, यहाँ पे गाइस इनका ये रायता और ये कितनी सारी चीजें, इसमें प्याज है, अचार है, मिर्च वाला अचार है और आलू की सब्जी है। तो चले अब करते हैं अपने लच्छे पराठे को ब्रेक। सबसे पहले गाइस मैं इसमें अपनी बढ़िया पनीर वाली सब्जी ही लगाऊंगी। ओके 30 रुपए में मसाले भी डाले चले जा रहे थे, ये ना फीका नहीं, ऐसा मसालेदार वाला लच्छा पराठा जो खाके वाके अच्छा लग रहा है। अभी मैं इनका थोड़ा रायता वायता और ये सारी चीजें भी टेस्ट करती हूँ। रायता तो देखो काफी वाटरी वाटरी है, सही बोलूंगी आपको, मंगी लोगों को। इनका जो पनीर का सब्जी है उसके अंदर इन्होंने मटर पनीर बनाया है जो काफी स्पाइसी है, एकदम खाते मजेदार है। चटनी मतलब 30 रुपए में ना ये फुल पैसा वसूल था लिया। गुप्ता जी की चाट खाने पर ये गुप्ता जी के नाम से ज्यादा फेमस नहीं, इनको फेमस किया गया केजरीवाल जी के नाम से। चलो देखें क्या क्या स्कीमें हैं इनके पास, आ जाओ। ये देखिए ये गुप्ता जी कम केजरीवाल जी ज्यादा लगते हैं। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं कैसे हैं आप? तो एक बात बताओ, केजरीवाल जी ने तो दिल्ली के अंदर बड़ी सारी स्कीमें चलाई हैं, आपने अपनी बाइक में टुक 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 इसके अंदर क्या क्या स्कीमें लगाई? बहुत सारी स्कीमें, क्या क्या दिखाओ बताओ, क्या क्या है आपके पास? बहुत सस्ते आइटम मेरे पास, बड़े सस्ते सस्ते आइटम है, तो दिखाई आज हमारा बजट बहुत सस्ता सस्ता है। ओनली 10 रुपए का ये नंगे। अच्छा 10 रुपए की कचौड़ियाँ, दोनों कचौड़ियाँ आएंगी 10 रुपए में? एक कचौड़ी आएगी 10 रुपए में। और मेरे पास समोसे अभी खत्म हो गए, समोसे खत्म हो गए, चले कोई बात नहीं, गुलाब जामुन 10 रुपए में, 10 रुपए में एक की दो की चार, बस एक ही दो गए आप? हाँ अच्छा, और बाकी क्या क्या 10 रुपए? ये तो अलग है, कुछ मीठे समोसे इसके अंदर आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। इसके अंदर आलू भरा है, मावा प्योर मावा भरा है, और ये तो ये कुछ पालक पापड़ी जैसी दिख रही है, पालक चाट। ये आपकी पालक चाट है, ये कितने की है? ओनली 20 रुपए, 20 रुपीज की। और ये दही भल्ले 20 रुपए, ओके। और वो उधर कोने में क्या है? ये पापड़ी चाट दिखाता हूँ मैं आपको, पापड़ी चाट दही भल्ले और ये क्या? ये पापड़ी चाट की पापड़ियाँ भी गजब की दिख रही है वैसे तो आपकी। और क्या है चने? और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये चटनी है, अरे ये तो आलू, ये चटनी वाले आलू भी रखे हो आप? चटनी वाले आलू तो हमने यूपी में खाया, मतलब हमारे, हाँ अरे सही बोले हैं एकदम, हमारे घर में बनते थे चटनी वाले आलू। बट अरे ये क्या? ये कटोरी चाट लगाता हूँ 30 रुपए ओनली। अरे 30 रुपए की, अरे सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। नहीं बात तो सही है, पर आज हमारा बजट भी तो 100 रुपए का चल रहा है, हमें तो उस हिसाब से खाना है। तो 10 रुपए में क्या खिला सकते हो आप हमें? सबसे बेस्ट में बेस्ट क्या खिला? कचौड़ी खिला दीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कचौड़ी है ये देखिए। हाँ दाल वाल भरी है, बढ़िया सजा दीजिएगा चटनी वटनियों से। ये देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की चटनी आ गई, दही आ गया, मसाले, धनिया वनिया नहीं रखे हैं, धनिया नहीं रखे, तो इसको चम्मच से खाने हाथ से गप्पर के खाना जैसे हम चाहें, तो चले हम चम्मच से खाते। बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस ये अभी हमारी कचौड़ी जिसको बना दिया है कचौड़ी चाट भैया ने, देखे देखे सिर्फ 10 रुपए में इतना बढ़िया सजा सजा के दही वही नमकीने वमकीने पापड़ी सापड़ी डाल के दिया, मतलब 10 रुपए में इतनी बड़ी कटोरी को सजा दिया है केजरीवाल जी ने। तो चलिए अभी खा के देखते हैं कि ये कचौड़ी एक्चुअली में कैसी। अरे अरे मेरी तो कचौड़ी गिरने वाली थी गाइस। सबसे बढ़िया बात पता है इस कचौड़ी की क्या है? ये ना तीखी, एकदम बराबर तीखी है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्पाइसी कर दी, एकदम मसालेदार दाल भरी है इसके अंदर। ये कचौड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी हो, 10 रुपए में फुल पैसा वसूल कचौड़ी है। वैसे भीड़ देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि वाकई केजरीवाल उर्फ गुप्ता जी का जो कार्ड है ना वाकई काबिले तारीफ है। सही यार, मैं वैरायटी डिनर टाइम गाइस, और डिनर खाने के लिए मेरे पास बचे पूरे 3 तरह के खाने खा चुके हैं 3 टाइम के। गाइस 100 रुपए का जो चैलेंज है ना, 50 रुपए अभी भी रहते हैं। आज मैंने आपको दिखाई है बहुत सारी फेमस स्ट्रीट फूड का, चाहे वो छोटे लाल की कचौड़ी हो या फिर हो केजरीवाल जी की चाट। और डिनर के लिए गाइस मैं दिखाने वाली हूँ आपको ग्वालियर का बहुत ही फेमस, ये देखिए पंडित जी के पराठे। तो चलिए देखते हैं इनके पराठे हमारे बजट में आएंगे कि नहीं, और कैसे निकलेंगे इनके पराठे एक्चुअली में। एंड वैसे भी आप सोच रहे होंगे डिनर टाइम तो बोल दिया मैडम ने, बट अंधेरा तो हुआ नहीं, क्या करेगा? शाम के 7 बज चुके हैं पर ग्वालियर में अंधेरा ही नहीं हुआ। अंधेरा हो या ना हो हमारे पेट में तो भूख आ गई है, तो हम करेंगे डिनर, तो आ जाइए। नमस्ते पंडित जी, आप ही हैं पंडित जी? क्या बात है, ये देखो यहाँ पे धक्का धक पराठे सेके हैं। पहले तो बताओ कौन कौन से पराठे मिलते हैं? कितने सारे लगाए हैं? 12 महीने मिलने वाला आइटम है आलू का एंड पनीर का। 12 महीने मिलने वाला आइटम है आलू के पराठे या पनीर के पराठे? कितने कितने के दिए?
ये 40 रुपीज का है, ये 30 रुपीज का है। एक देते हो कि दो? एक पराठा। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, दिन भर में कितने पराठे सेक लेते होगे? अंदाजा है कोई? काउंट तो नहीं किया। अंदाजा अंदाजा मान लिए 200 प्लेट के आसपास। 200 प्लेट पराठे सेक लेते हो? मैं देख रही हूँ यहाँ पे, देखिए अमूल के घी के अंदर पराठे सेकते हो, फॉर्चून का आटा लेते हो। तो एक काम करेंगे पंडित जी, हमको हमारा बजट चल रहा है, तो हमको ये आलू पनीर का मिला के 35 रुपीज में दे दोगे पराठा? थोड़ा मिक्स कर देना, पनीर हमें पसंद है, हमारा फेवरेट पनीर है, खा लीजिए, हो जाएगा। अच्छा कितने प्यारे हो, कितने क्यूट है, तो हमें लगा दीजिए एक मिक्स पराठा। मेरा तो बिल्कुल कड़क कड़क सेक दो ना पंडित जी। अरे बाप रे बाप, क्या फटाफट हाथ चलते हैं इनके, ध्यान धक्की घट 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 घट। तभी मुझे लगता है दिन भर में 200 प्लेट बना पाते होंगे ये, और तवे में अच्छा पट्टी पट्टी गलती करते रहते हैं। हाँ भाई, वहाँ से शुरू होता है, इधर आके खत्म होता है पराठा। तो मतलब सीटिंग जो है ना पराठों की भी बदलती रहती है। वाह ये बहुत अच्छा था यार। सो गाइस मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, सो जस्ट हैव अ लुक, ये देखिए 35 रुपीज में क्या मस्त मिलती है, इतना बड़ा पराठा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे मिर्ची का अचार है, ये है इनका बूंदी वाला रायता, ये देखो ये अलग कॉम्बिनेशन है गाइस, पराठे के साथ दी जाती है कड़ी, वो भी पकौड़ी वाली, जो हमारे यूपी में भी बहुत ज्यादा फेमस है। और ये जो चटनी है ये बहुत अच्छी चटनी है, ये चटनी बनी हुई है लहसुन प्याज और कच्ची केरी के साथ। हाय 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 हाय, गर्मियों का मौसम है ना, तो कच्ची केरी आ रही है, सदा केरी आती है चटनी आपको तभी तक मिलती है। चलो अब खाएंगे हम अपना मिक्स पनीर और आलू का पराठा, बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस, ये देखो ये पनीर वाला है, देखो हर बार के फिलिंग कर रही है इसके अंदर। मैं तो चटनी वाला पनीर वाला इधर होती है, आलू वाला सॉस ऊपर है, आलू वाला सॉस ऊपर है। ये चटनी वाकई बहुत, पनीर पाकिस्तान में नहीं मिलता, चीज पराठा मिलता है वो कम से कम 200 का। दैट इज सिंपली इररेसिस्टिबल, बहुत ही अमेजिंग है। और अभी इनकी जरा कढ़ी भी ट्राई करें, पकौड़ियां बहुत कम मिलता है पाकिस्तान में, बहुत कम मिलता है, बहुत कम। हाय इतने आराम से कट गई, इनकी कढ़ी भी बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको सही बोलूं। और एक चीज पता है, 35 रुपए में पराठा तो आपको एक मिल रहा है, बट ये जो सारी चीजें ना ये अनलिमिटेड, आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपनी प्लेट में रिफिल करा सकते हैं। तो चले पराठा भी गजब का है क्योंकि बना हुआ है देसी घी में, तो चलो हम भाई अपना धीरे धीरे हौले हौले पराठा खाते हैं। कचौड़िया खाने नहीं, डिजर्ट खाने। और अब बचे सिर्फ और सिर्फ, देखो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए, देखते 15 रुपए में भैया हमारा मुंह मीठा करा पाएंगे कि नहीं। आ जाओ, उरी आती है तो क्या दिखा, अरे भैया नहीं ये देखो, इसको देखो गर्मा गर्म इमरतियाँ बनाई जा रही है, फ्रेश इमरतियाँ इतनी रात को भी, मुझे तो लगा सिर्फ दिन में मिलती होगी। गजब गजब इमरतियाँ दिख रही है, चलो पता करें ये मीठे में इमरतियाँ हैं सिर्फ, मीठे में इमरती है, मॉर्निंग में जलेबी रहती है, शाम को इमरती है। शाम को इमरती रहती, तो क्या भाव दी? ये 50 रुपए की 100 ग्राम। 50 रुपए की 100 ग्राम, तो एक कितने ग्राम की होती होगी? एक 50 ग्राम की रहती है। 25 रुपए की दोगे? अच्छा 25 रुपए की, यार ये तो बड़ा लफड़ा सा हो गया, मतलब 25 रुपए की नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 15 रुपए बचे, तो एक ही मर्ती छोटी छोटी कर देना, छोटी नहीं नहीं तो भैया सामने तो बना रहे, बोलना घोल को थोड़ा कम बना दो, उसमें क्या है वो छोटा छोटा दे देंगे। अच्छा थैंक यू, हम 15 देंगे, तो हमें फिर बड़ी वाली दिलवाले लोगे, थोड़ा बहुत छोड़ भी देंगे। ये देखो 15 में भैया छोटी नहीं, हमको बड़ी इमरती देंगे, लाइए भाई। आहा क्या बात है, ये देखिए जरा इमरती इतनी बढ़िया दिख रही है, और है तो गर्म यार सच में आ रही। इधर शॉपर में डाल देते हैं, कहते हैं ले जाओ उधर, हम कटोरी से चले जाते हैं। चलो पहले मैं मुंह तो मीठा कर लूं अपना। अरे भाई बहुत ही अमेजिंग है, गर्मा गर्म इमरती खा के जो मजा आया ना, मतलब आज का चैलेंज मेरा सफल हुआ गाइस। अगर आज का फूड चैलेंज आपको अच्छा लगा है तो यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ 5 टाइम के खाने खाए, मतलब फुल 100 रुपए में, चलो कोई इधर 100 रुपए में मीठा भी खा ले, 3 टाइम का खाना भी खा ले, स्नैक्स भी खा ले, सारा कुछ खा ले 100 रुपए में, आप बिलीव नहीं करोगे। आप कहते हो यार लच्छा पराठा सत्तर, इधर जो पराठा जिसके अंदर वो घी और वो पनीर और दाल नहीं डाल के थे, जो लास्ट में उसने वो सॉस ऊपर का खाली, वो पराठा खाली ऊपर है, सोच ले। और साथ में जो क्या कहते हैं वो कढ़ी और वो चटनी और वो सारा वो फ्री अनलिमिटेड आप दोबारा भी ले सकते हो, मतलब इससे बड़ी और क्या फास्ट फूड की हेवन है भारत यार, जन्नत है। सही बात है, जिस तरह का फास्ट फूड भारत में कहीं नहीं है। मैं यार उधर आपके पास जेब में कितने पैसे हो कि आप एक टाइम का सही, तभी तो भाई कहते हैं भाई, तभी तो कहते हैं भारत में कोई भूखा नहीं सोता, नहीं सोता। ऑफर जी ऐसी लगी है, कुछ ऐसे भी बीच में छोड़ देते, वाकई में छोड़ देते, सही सल्यूट है यार। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।